जी फ्रेंड, $10 की आप ट्रैफिक लें और उससे $35 तक आप अर्न करें। जी हाँ बिल्कुल, आपको आज जो है वो मोनीटैग का आर्बिट्रेज सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो मोनीटैग पर आर्बिट्रेशन कर सकते हैं और वहां से अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। विद प्रूफ जो है वो आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये देखें ऐसे हमने काम किया, ये चीजें आपके सामने है, विद प्रूफ आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। तो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज किस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको मोनीटैग आर्बिट्रेशन सिखाई जाएगी। मोनीटैग एक एड नेटवर्क है, जैसा कि प्रोपेलर था उसका नाम उन्होंने चेंज करके मोनीटैग एड नेटवर्क रख दिया। तो इस पर आर्बिट्रेज किया जाएगा, यानी कि लो अमाउंट में हम जो है वो ट्रैफिक को खरीद कर यहां पर इनको सेल करेंगे, आर्बिट्रेशन इसको कहा जाता है। तो यहां से हम जो है वो अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। अगर आप $1 जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $3 से $4 अर्निंग आएगी। अगर आप जस्ट थोड़े से डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हिसाब से 2 गुना 3 गुना ज्यादा जो है वो आपको अर्निंग आएगी। अगर आप $30 $35 की ट्रैफिक लेते हैं तो $300 $400 की जो है वो आपको इनकम आएगी। तो ये किस तरह से आएगी, कैसे आपने काम करना है, तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर है, तो लैपटॉप की स्क्रीन पर आके हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए कि हमने कितनी जो है वो अर्निंग की है और कितने डॉलर इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखें तो जो है वो हमने 10 सेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। कितनी? 10 सेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और उससे कितनी अर्निंग की है? 0.35, यानी कि 0.35 यानी कि $0.5 से थोड़ा सा कम, यानी कि 10 सेंट्स हमने इन्वेस्ट किए हैं और 0.35 यानी कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हमने अर्निंग की। अगर आप $1 इन्वेस्ट करेंगे, $1 की ट्रैफिक लेंगे तो $3.5 से $4 आपको अर्निंग होगी विदाउट वेबसाइट। वेबसाइट की हमें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक के ऊपर हम काम करेंगे। तो वो कैसे काम करेंगे, कैसे हमने किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें मोनीटैग एड नेटवर्क के ऊपर हम आ चुके हैं, डायरेक्ट लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक बार जो है वो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एड BTC पर भी मैं ट्राई कर लूँ और नियोन टूडे पर भी ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हम जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ से हमने नियोन टूडे से हमने ट्रैफिक लेनी है। तो नियोन टूडे का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद उस पर काम स्टार्ट कर दें और वहाँ से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ड्राइव करें। और आप मोनीटैग पर भी एड नेटवर्क पर भी अपना अकाउंट क्रिएट करें, इसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिक पर हम आ जाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी तो शॉर्ट सी वीडियो हम बनाएंगे। स्टैटिस्टिक्स पर हम आ चुके हैं, यहां पर देखें स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर देखें कि 3-4 दिन मैंने इस पर ट्रैफिक सेंड की, थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक सेंड की, तो ये देखें तकरीबन 300 व्यूज़ हमें मिले हैं, यानी कि 300 इंप्रेशंस हमें मिले हैं। 300 इंप्रेशन से 0.33 की हमें अर्निंग हुई है। और यहाँ पर जो है वो CPM अगर आप देखें तो $1.10 का प्रॉपर हमें CPM मिला है। उससे ज़्यादा CPM अगर आप देखें 1.45 का CPM हमें 6 तारीख को मिला है। 9 तारीख को अगर आप देखें तकरीबन $2 का CPM मिला है। उसके बाद यहाँ पर देखें 0.81 मिला है, यहाँ 1.10 मिला, यानी कि CPM ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। वो क्या होता है कि वो कंट्री के हिसाब से होता है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट किया था, उन कंट्री से जो जो व्यूज़ मिले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और हिसाब से हमें आपको सब चीज़ें जो है वो मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं तकरीबन यहाँ पर आ जाता हूँ, 10 सेंट्स की हमने ट्रैफिक लिया है। 10 सेंट्स कितने बनते हैं जी? 10 रबल्स। यहाँ पर मैं बाइक राइडर्स पर आ जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट कि 10 रबल में हमें 1000 क्रेडिट यहाँ पर मिल जाते हैं। 10 रबल्स, 10 रबल्स कितने बन रहे हैं जी? यहाँ पर देखें 10 सेंट्स, यानी कि पाकिस्तानी 30 रुपये, इंडियन 10-15 रुपये बनते होंगे। इतने की हमने ट्रैफिक लिए, इतने की हमने 1000 क्रेडिट लिए, उन 1000 क्रेडिट से हमने ट्रैफिक सेंड की जो कि हमें 300 विजिटर्स मिले। वो जो 300 विजिटर्स से वहाँ से हमें 0.33 यानी कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हमें जो है वो 2 गुना ज़्यादा हमें जो है वो अर्निंग मिली, 2 गुना ज़्यादा हमें अर्निंग मिली। तो देखें अगर आपको जो है वो 2 गुना ज़्यादा अर्निंग मिल रही है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप काम करें, आप इस तरीके से काम करें, आर्बिट्राज करें। अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है उससे करें, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर फ्री भी क्रेडिट आप अर्न कर सकते हैं। फ्री क्रेडिट कैसे अर्न करने हैं, नियोन डॉट टूडे पे पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, काइंडली वो देख लीजिएगा। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैनेज एड्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ, टाइम को ज़ाया नहीं करते, PTP एड्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर देखें मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें 3 एड्स जो है वो रन किए अभी तक मैंने जो है वो क्या कहा आपको, 1000 जो है वो तकरीबन कॉइन्स इन्वेस्ट कर दिए, 1000 कॉइन्स। अब USA से मैंने तकरीबन देखें, ये देखें 750
सिक्स शो हुए हैं हमें, 756 व्यूज हमें मिले हैं, यूक्रेन से 133 व्यूज हमें मिले हैं, और यहाँ से जर्मनी से अभी तक 43 व्यूज हमें मिले हैं। बाकी क्रेडिट मेरे पास अभी कुछ थोड़ा सा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ट्रैफिक हमने सेंड की है तकरीबन 750 ट्रैफिक, उसमें से तकरीबन 350 सॉरी उससे उसमें से हमें तकरीबन 300 ट्रैफिक मिली है। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि तकरीबन यहाँ पर क्रेडिट देखे कुछ हिसाब से कट रहे हैं, 1.30 के हिसाब से क्रेडिट कट रहे हैं, और कुछ ट्रैफिक ऐसी होती है यानी कि ये रियल ट्रैफिक होती है, ह्यूमन ट्रैफिक है, रियल ट्रैफिक। इसमें से अगर 10% अगर बोट की ट्रैफिक आ जाती है तो वो काउंट नहीं करता है नेटवर्क, पहली बात है वो काउंट नहीं करता। 10% अगर आ जाती है, ठीक है, तो आ जाती है 10% तकरीबन। 90% जो रियल आपकी ट्रैफिक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रियल ट्रैफिक जो यहाँ पर इनके पास व्यूवर्स हैं, वो कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एड ब्लॉकर हमारी तरह यूज़ किया हुआ है। ये ऊपर देखें, एड ब्लॉकर यूज़ किया हुआ है, तो वो क्या हो गया कि एड सही से लोड ही नहीं होते, वो जो विजिट जाते हैं वो सही से लोड ही नहीं होते, वो पहले ही एरर आ जाता है या फिर एड ब्लॉकर उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए वो व्यूज़ यहाँ तो काउंट हो जाते हैं कि हमें वो व्यूज़ गए हैं, लेकिन जो है वो वहाँ पर हमें एड नेटवर्क में शो नहीं होते, इसलिए थोड़े बहुत यहां पर हमें देखने मिला, क्योंकि यहां पर 1.3 जो है वो हमने लगाए हैं क्रेडिट। यहां पर देखिए 1.3 है, यहां पर देखिए 1.5 भी मैंने दिया हुआ है, 133 व्यूज यूक्रेन के व्यूज के ऊपर। तो इस पर किस तरह से आपने काम करना है, अगर आप क्रेडिट बाय करना चाहते हैं तो क्रेडिट बाय कर लें, नहीं तो अदरवाइज आप जो है वो इस पर काम करें, इस पर काम करके यहां से जो है वो इनकम जो है वो जनरेट करें, क्रेडिट्स जो है वो अपने बनाएं, ठीक है, यहाँ पर अपने क्रेडिट्स बनाएं। जब आप क्रेडिट्स बना लेंगे तो यहाँ पर देखें मैनेज पीटीपी एड्स, सबसे पहले नियॉन टुडे पर आके पीटीपी मैनेज पीटीपी एड्स, यहाँ पर ऐड न्यू पीटीपी पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऐड न्यू पीटी पर हमने क्लिक कर दिया। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपने यहाँ पर यूआरएल देना है अपना, जो डायरेक्ट लिंक होगा यहाँ से, यहाँ पर देखें मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट लिंक के ऊपर, यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिंक जो है वो जनरेट कर लेना, उसके बाद उसको कॉपी कर लेना। जब आप उसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपने उसको पेस्ट करना है। अगर जब आप पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने नहीं लगाना, स्टार्टिंग में HTTPS ज़रूर लगा देना, और ये दो जो डॉट्स होते हैं ना, ठीक है, ये वाले दो, ठीक है, इनको भी आपने लाजमी लगा देना, क्योंकि डायरेक्टली कुछ विजिटर्स अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो वो URL सही से काउंट ही नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को हटा के लगाएंगे तो वो HTTP के साथ चला जाएगा, उसमें भी विजिटर्स काउंट नहीं होते या फिर वो स्पैम में चला जाता, तो इसलिए जो मैंने कहा उस तरीके से आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको चाहिए वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक जो जो इनके पास है, तो उससे 1 credit जस्ट कटेगा, आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे लेकिन आपको CPM कुछ खास नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आपने USA को सिलेक्ट करना है, USA को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं कि डेली आपको कितने चाहिए, मैंने तो अनलिमिटेड रखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं मोबाइल के लिए चाहिए, डेस्कटॉप के लिए चाहिए या फिर दोनों के लिए चाहिए, तो मैं दोनों के लिए लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आल पर क्लिक करना है कि सब ब्राउज़र पर चल जाए, यहाँ पर इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, इसके नो टेंशन। उसके बाद सिंपली आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना, तो जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो है वो यहाँ पर देखिए, अब मैं वो सही से काउंट नहीं हुआ, मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, USA पर क्लिक कर देता हूँ, बाकी चीज़ें सेम वैसी ही हैं, ऐड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया, अब देखिएगा जैसे ऐड पर क्लिक किया यहाँ पर सक्सेस आ चुका है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैनेज एड्स PTP पर आपने क्लिक कर देना। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है वो क्रेडिट, वो कह रहा है क्रेडिट ऐड करें, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर जितने भी क्रेडिट्स आपके पास, मेरे पास 0 है, जितने भी आपके पास 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 1000 है, वो आपने क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो कह रहा है कि आपके पास क्रेडिट नहीं है, तो यहाँ पर वो क्लिक आपके क्रेडिट जो है वो ऐड हो जाएंगे, और विद इन सेकंड्स यानी कि 1 minute के अंदर अंदर आपकी जो है वो ऐड रन करना शुरू कर देगी। जब वो रन करना शुरू कर देगी यहाँ पर टोटल शो दिखाएगी कि अभी तक कितने विजिटर्स गए हैं, यहाँ पर दिन के हिसाब से दिखाएगी कि दिन के हिसाब से कितने विजिटर्स गए हैं। यहाँ पर आप इसको एडिट करके जियो वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। तो बेहतर मशवरा यह है कि आप USA को टारगेट करें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं दिखा देता हूँ। नियॉन डॉट टुडे के स्टैटिस्टिक्स पर चलते हैं। एड BTC के अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एड BTC से सिर्फ 2-3 cents हमने अर्न किए हैं। कितने? सिर्फ 2-3 cents हमने अर्न किए हैं और उस पर मजीद प्रैक्टिस जारी है, इसलिए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए कंट्री वाले सेक्शन के ऊपर मैं आ जाता हूँ। कंट्री वाले सेक्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखें सबसे हाई CPM हमें कहाँ से देखने को मिला है, जर्मनी से देखने को मिला है। 1.82 का CPM हमें सबसे ज़्यादा जर्मनी से देखने को मिला है, लेकिन वहाँ से व्यूज़ हमें बहुत थोड़े स्लो आ रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट कम है। इसलिए हम टारगेट करेंगे USA को। यहाँ पर देखिए USA को टारगेट कर रहे हैं, 0.29 हमें इससे अर्निंग हुई है, 274 अभी तक इंप्रेशन गया है, $1 का CPM हमें देखने को मिला है। तो इस हिसाब से हमने 10 cents इन्वेस्ट किए और 2-3 times ज़्यादा हमने अर्निंग कर ली, 0.35। अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो $3.5 अर्न करेंगे। अगर आप $10 इन्वेस्ट
करते हैं तो 30 से 35 डॉलर आप अर्न करेंगे। और इस एड नेटवर्क के अंदर $5 मिनिमम पे आउट है, $5 जब आपके हो जाएंगे तो आप यहाँ से अर्निंग जो है वो निकलवा सकते हैं, ईजिली आप निकलवा सकते हैं। कैसे विड्रॉ करना है, इसका पेमेंट प्रूफ वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। प्रोपेलर एड्स के नाम से थोड़ी सी पुरानी होगी लेकिन वो चलेगी, सेम यही चीज़ होगी, ठीक है। अगर मोनीटैग के हिसाब से हुई तो मैं वो भी साथ में अटैच कर दूंगा। दो वीडियोस एंड स्क्रीन पर आपको मिलेगी, प्रोपेलर एड्स की और दूसरी नियॉन डॉट टुडे की, दोनों को आपने देख लेना है। नियॉन डॉट टुडे को ज्वाइन कर लेना है, मोनीटैग को ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी और अच्छा CPM भी देखने को मिल रहा है। आपके सामने सब कुछ लाइव प्रूफ है, कुछ भी यहाँ पर झूठ या फिर कुछ भी यहाँ पर छुपा हुआ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 10-12 मिनट की, लेकिन ये है कि आपको सीखने को सही कुछ मैंने बता दिया, सीखने को सही कुछ मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जोन पर अगर आपको दिखा दूँ, जोन में वही चीज़ें होती हैं जैसा कि यह देखें, वो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। OS में अगर आपको दिखा दूँ, OS आपके सामने देखें कि मैक OS से हमें अच्छी अर्निंग मिली है, मैक OS से हमें अच्छे व्यूज़ मिले हैं। यहाँ पर विंडोज़ से भी हमें अच्छे व्यूज़ मिले हैं, लेकिन विंडोज़ से अर्निंग उस हिसाब से नहीं हुई जितनी कि मैक से हुई। एंड्रॉयड से देखिए 1.26 हमें CPM मिला है, 12 व्यूज़ जस्ट मिले हैं लेकिन प्रॉफिट अच्छा मिला। तो अब अगर आप मोबाइल को टारगेट करते हैं ना, जस्ट मोबाइल को, व्यूज़ थोड़े कम कम मिलेंगे, थोड़े थोड़े करके मिलेंगे लेकिन CPM अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ आए तो दोनों को सेलेक्ट कर दें, थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, जितने ज़्यादा कॉइन्स उतने ज़्यादा व्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।